कर्म किया हुआ है तो तप का तन से मन से धन से, तो तन भगवान की सेवा में लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, कितना लगाना चाहिए उसकी भी व्यवस्था बताए। ऐसे नहीं थोड़ा सा किया वो भी कह, सभी कहते हैं मैं रोज मुरली सुन रहा, रोज योग करते हो लेकिन सेवा नहीं किया। हाँ, रोज सेवा करते हो, दिन रात सेवा करते हो, योग नहीं करते हो, तो क्या होगा? तन बहुत अच्छा है लेकिन बुद्धि है ही नहीं, बुद्धि में याद ही नहीं रहता कुछ भी, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ नहीं होती है। योग से बुद्धि स्वच्छ होती है। कर्म दिन रात 24 घंटा नंबर वन करते हो, हर कदम कदम में गुस्सा करते हो, हर कदम कदम में गलत कर्म करते हो, गुस्सा भी करते हो, क्यों? संस्कार मिटाया नहीं। तो योग बल से विकर्म विनाश होते, बुद्धि स्वच्छ होती है। बुद्धि स्वच्छ है तो ज्ञान स्वच्छ बुद्धि में ठहरता है। अगर बुद्धि स्वच्छ नहीं, कितना भी ज्ञान सुना याद ही नहीं रहता, क्यों? सेवा करते हो, मुरली सुनते हो, लेकिन योग वो चाहिए। इसलिए आपको योग बताया था, याद, योग और तपस्या। याद तो योग तो विश्वामित्र ने भी किया था, तो भी क्रोध को जीत नहीं सका। तपस्या शिव बाबा करके जो विधि बताता, बच्चे अशरीरी अव्यक्त विदेही देही अभिमानी आत्मिक स्वरूप में पहले स्थित होना चाहिए। जब तक आप आत्मिक स्वरूप अर्थात जब आप योग में बैठे हो, मन और बुद्धि के अंदर देह देहधारी का कोई भी विचार नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है? सिर्फ आत्मा का ही चिंतन। मन पूछता है मैं कौन, आत्मा का ही चिंतन, बुद्धि भी आत्मा का ही अनुभव करती है, फीलिंग करती है। तो दूसरे कोई इसके अंदर 5-10 मिनट मन और बुद्धि के अंदर दूसरे कोई नहीं आ रहा है, तो मन बुद्धि एक हो गया, आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए। उसको कहते हैं एम्बॉडीमेंट स्वरूप।